फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है सुमेर नाम के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से। ये दिल्ली में सुबह सुबह अपने पार्टनर जक्की के साथ कहीं जा रहा होता है। ये लोग यहाँ पर एक ड्रग्स की डिलीवरी को रोकने के लिए आए हैं। ये दोनों एक गाड़ी को रोककर उसमें बैठे दो आदमियों को गन पॉइंट पर लेकर उसमें से ड्रग्स निकलवाते हैं। उस गाड़ी में दो आदमी होते हैं जिसमें से एक आदमी वहां से भाग जाता है। उसने सुमेर का चेहरा देख लिया था इसलिए सुमेर उसका पीछा करता है, मगर वो आदमी उसके हाथ से निकल जाता है। तो अब सुमेर और उसका फ्रेंड दूसरे आदमी को मार देते हैं और ड्रग्स का बैग लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये दोनों नारकोटिक्स की जॉब के साथ साथ ड्रग्स की डीलिंग भी करते हैं। अब हम सुमेर को अपने बेटे के साथ एक होटल में देखते हैं। इसके बेटे का नाम अथर्व है और इसका इसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है। ये यहाँ पर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया होता है, मगर पूरा दिन भर अपने काम में ही लगा रहता है, पर इसी वजह से इसका बेटा अथर्व इससे नाराज रहता है। अगले दिन भी वो अपने बेटे को होटल में अकेला छोड़ देता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। वो जग्गी के साथ उसी क्राइम सीन पर जाता है जहाँ पर अब पुलिस आ चुकी है और वहाँ पर एक लाश पड़ी है। इस केस को समीर और अदिति नाम के दो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अदिति वहाँ पर सुमेर को देख लेती है और उसे उस पर शक हो जाता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि अथर्व गायब हो चुका है। अब वो अपनी वाइफ से मिलता है और उसकी एक्स वाइफ उसकी लापरवाही के लिए उसे काफी ज्यादा डांटती है। तभी उसे सिकंदर नाम के एक बंदे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका बेटा उसके पास है। वो ये भी कहता है कि जो ड्रग्स उन्होंने चुराए हैं वो उसी के हैं। उसे ये ड्रग्स हमीद नाम के एक बंदे को देने हैं, लेकिन उन्होंने वो ड्रग्स चुरा लिए हैं, इसलिए वो चुपचाप वो ड्रग्स का बैग लेकर आए और अपने बेटे को यहाँ से ले जाए। सुमेर ये बात जग्गी को बताता है और जग्गी कहता है कि उस बैग में 3 किलो एक्स्ट्रा है जो कि वो अपने लिए निकाल सकते हैं। लेकिन सुमेर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका बेटा किडनैप हो चुका है। वो सीधा ड्रग्स का बैग लेकर होटल पहुंच जाता है, मगर ऑफिसर आदित्य भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ गई होती है। अब हम जग्गी को देखते हैं जो कि समीर के साथ बैठा होता है। जग्गी पीठ पीछे समीर को चीट कर रहा होता है। जग्गी समीर को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद समीर भी अदिति और सुमेर का पीछा करते करते उस होटल तक पहुंच जाता है। अब सुमेर होटल में घुसते ही वहां के सभी कैमरास को खराब कर देता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में ऊपर बने हुए डक्ट में वो बैग को छुपा देता है और उसमें से एक ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है। ये सब करते हुए अदिति उसे देख लेती है। सुमेर के वहां से जाते ही अदिति उस बैग को वहां से हटा देती है। इसके बाद सुमेर सिकंदर के पास जाता है और उसे सैंपल ड्रग्स का पैकेट दिखाता है और साथ ही उसे उसके बेटे के बारे में पूछता है। सिकंदर बोलता है कि उसे पूरे ड्रग्स का बैग लाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा सकता है। सुमेर ड्रग्स का बैग लेने के लिए वापस जाता है, मगर उसे वहाँ पर ड्रग्स का बैग नहीं मिलता। अब अदिति समीर को फोन करके बता देती है कि उसने बैग को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद समीर उस बैग को लाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। उधर हड़बड़ी में सुमेर उस बैग को जगह जगह ढूंढ रहा होता है। वो एक आदमी से पूछता है तो वो बताता है कि उसके पीछे पीछे और भी ऑफिसर्स आए थे और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ऑफिसर ने उस बैग को ले लिया हो। अब सुमेर को समझ में आ जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उधर हामिद भी सिकंदर से ड्रग्स का बैग लेने के लिए आ चुका होता है और अब ये दोनों यहाँ पर सुमेर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सुमेर के पास यहाँ पर ड्रग्स है ही नहीं। वो किचन में जाता है और जग्गी को कॉल करके होटल में आने के लिए बोलता है। वो दो सैप्स की मदद से आटे को कई सारे छोटे छोटे ड्रग्स की तरह दिखने वाले पैकेट्स में पैक करवा देता है। इसके बाद वो बारटेंडर के पास जाता है और उसे बोलता है कि आज इस होटल के मालिक की एनिवर्सरी है, इसलिए उसे थोड़ी देर में केक लेकर ऊपर आना है। इसके बाद वो बैग लेकर ऊपर चला जाता है और हामिद को ड्रग्स का बैग दे देता है और उसे फटाफट यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उन्हें कहता है कि नीचे पुलिस आई हुई है जो कि सिविल ड्रेस में है, और क्योंकि वो खुद ही पुलिस में होता है इसलिए वो लोग उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। तभी वो बारटेंडर दो वेटर्स के साथ केक और शैंपेन लेकर आ जाता है। सबको लगता है कि ये पुलिस है जो कि सिविल ड्रेस में है, इसलिए हामिद और उसका चमचा पीछे के दरवाजे से यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। बारटेंडर वेटर्स के साथ अंदर केक लेकर आता है और सिकंदर को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। सिकंदर को जब ये पता चलता है कि ये पुलिस नहीं बल्कि बारटेंडर और वेटर्स ही हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सुमेर सिकंदर से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, जिसके बाद सिकंदर उसे कहता है कि उसका बेटा गेमिंग रूम में है। जब सुमेर अपने बेटे को लेने जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में अदिति और समीर मिलते हैं। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि नारकोटिक्स में होने के बाद भी वो इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन सुमेर वहां से बच करके निकल जाता है। वो अदिति और समीर से बचने के लिए एक आदमी के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेता है। उधर हामिद जब कार में बैठकर ड्रग्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स नहीं बल्कि आटा है। इसके बाद वो गुस्से में तुरंत सिकंदर के पास जाता है। जितनी देर में सिकंदर को ये सब पता चलता है उतनी ही देर में सुमेर अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। वो अपने बेटे के साथ वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी सिकंदर अपने आदमियों को उसे रोकने के लिए कहता है।
इसके बाद हमें यहाँ पर जुमेर और सिकंदर के आदमियों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने के लिए मिलती है, लेकिन फाइट के एंड में सिकंदर का आदमी सुमेर के बेटे को जैसे तैसे पकड़कर वापस ले जा लेता है। अगर सुमेर को अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे असली ड्रग्स का बैग वापस लाना होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बैग कहाँ है। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से किचन में जा रहा होता है कि तभी अदिति उसे देख लेती है। वो उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर सुमेर उल्टा उसे पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अंडर कवर है और ड्रग्स डीलर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अदिति उसकी बात का यकीन कर लेती है और उसे बता देती है कि उसने बैग कहाँ छुपाया है। अब सुमेर यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी समीर वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। पहले तो समीर सुमेर पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है, मगर एंड में सुमेर समीर को काफी बुरी तरीके से मारता है और जाने से पहले वो समीर की गाड़ी की कीज भी अपने पास रख लेता है। अब सिकंदर और हामिद भी सुमेर का पीछा करने लगते हैं, मगर सुमेर बड़ी आसानी से उनकी नजरों के सामने से ही वहां से निकल जाता है। वो होटल के बाहर जग्गी से आकर के मिलता है। जग्गी उसे पीछे के रास्ते से चलने के लिए कहता है। जब ये लोग पीछे के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी जग्गी सुमेर को पीछे से शूट करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर हामिद का ड्राइवर सुमेर को देख लेता है और वो भी सुमेर को शूट करने की कोशिश करता है। सुमेर तुरंत नीचे बैठ जाता है और जग्गी और हामिद के ड्राइवर की गोलियां एक दूसरे को लग जाती है। अब सुमेर हामिद के ड्राइवर की मदद से हामिद को बाहर बुलाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे सिकंदर के रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो उसका बेटा उसे वापस कर दे। सिकंदर कहता है कि उसे हामिद के जिंदा रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हामिद भी उसे गुस्से में कुछ अब्यूसिव वर्ड्स बोल देता है, जिसके चलते सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही हामिद को शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद सिकंदर जुमेर से ड्रग्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद सुमेर सिकंदर को उस लेडीज वॉशरूम में लेकर जाता है जहां पर अदिति ने ड्रग्स का बैग छुपाया था, लेकिन अगेन वहां पर वो बैग नहीं होता क्योंकि समीर पहले ही वो बैग वहां से निकाल चुका था। इसके बाद जुमेर सिकंदर को टॉयलेट में ही बेहोश करके वहां से जैसे तैसे निकल जाता है। दूसरी तरफ अतर सिकंदर के छोटे भाई के साथ होता है। सिकंदर का छोटा भाई गलती से अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़ देता है, जिसके बाद अतर उसका मोबाइल उठाकर अपने पापा को कॉल करता है। वो जुमेर को उसकी लोकेशन बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि सिकंदर के छोटे भाई ने उसे थप्पड़ मारा है। ये सुनते ही जुमेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अथर को उसका वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद जुमेर सिकंदर के छोटे भाई के रूम की तरफ जाने लगता है। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उन सबको मार देता है और एंड में वो सिकंदर के छोटे भाई को भी जान से मार देता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसके लिए ड्रग्स का बैग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास ड्रग्स का बैग नहीं हुआ तो सिकंदर उसे और उसके बेटे दोनों को मार देगा। अब जुमेर अपने बेटे के साथ वहां से भाग जाता है। वो अथर से कहता है कि वो होटल में कहीं पर छुप जाए। अब जुमेर को बार में अदिति दिखाई देती है। सुमेर के पास एक मोबाइल था जो कि उसे जग्गी की जेब से मिला था। ये वो मोबाइल था जो कि समीर ने जग्गी को दिया था। इसी मोबाइल के जरिए वो आपस में बातचीत करते थे और वो दोनों ही सिकंदर के लिए काम करते थे। यहाँ पर सुमेर चुपके से उस मोबाइल को अदिति की जेब में डाल देता है। अदिति पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाने वाली थी और ये बात सुमेर सुन लेता है। दूसरी तरफ सिकंदर को जब अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो जुमेर और उसके बेटे दोनों को मार देगा। दूसरी तरफ अथर्व यहाँ पर एक जगह पर छिपने के लिए जाता है, मगर तभी वहाँ पर सिकंदर के आदमी आ जाते हैं। वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर जुमेर आ जाता है और एक एक करके सबको मार देता है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जुमेर होटल के अलार्म को ट्रिगर कर देता है। अलार्म की वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो दोनों इस भगदड़ का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जुमेर और अथर्व समीर की गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि जुमेर ने समीर से उसकी गाड़ी की चाबी ले ली थी। जुमेर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिकंदर आ जाता है। सिकंदर अपने आदमी से कहता है कि कार के अंदर से ड्रग्स के बैग को निकाल लो। जुमेर को पहले पता नहीं था, लेकिन अब उसे भी समझ में आ जाता है कि वो ड्रग्स का बैग और किसी ने नहीं बल्कि समीर ने निकाला था। सिकंदर जुमेर को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हामिद का एक आदमी आ जाता है और वो सिकंदर पर शूट करने लगता है, क्योंकि सिकंदर ने हामिद को मार दिया था। इसी शूट आउट के बीच अदिति और समीर भी आ जाते हैं और जुमेर मौका देखते ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद अदिति सिकंदर को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेती है और तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है। एक कार में अदिति समीर और सिकंदर जा रहे होते हैं, तभी अदिति को सुमेर का कॉल आता है। सुमेर उसे वो फोन चेक करने के लिए कहता है जो कि उसने चुपके से उसकी जेब में डाल दिया था। अदिति उस फोन के मैसेजेस को चेक करती है और एक अननोन नंबर पे कॉल करती है। वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि समीर का होता है। अब अदिति समझ जाती है कि जग्गी और समीर दोनों ही सिकंदर के लिए काम करते हैं, लेकिन समीर तभी अदिति को शूट कर देता है। इसके बाद वो सिकंदर को भी शूट कर देता है और ड्राइवर को चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। वो गन सिकंदर के हाथ में दे देता है ताकि ऐसा लगे कि सिकंदर ने अदिति पर गोली चलाई है और उसने मजबूरन सेल्फ डिफेंस में आकर सिकंदर को मारा है। इसके बाद वो अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और सीट को कस करके पकड़ लेता है। इसके बाद वो ड्राइवर को भी गोली मार देता है और इसका जिम्मेदार भी वो सिकंदर को ही ठहराने वाला था। अब गोली लगने की वजह से ड्राइवर मर जाता है
और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में समीर बच जाता है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि अदिति भी अभी जिंदा है। अदिति के हाथ पर गोली लगी थी जिसकी वजह से वो जस्ट बेहोश हुई थी। इसके बाद समीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम सुमीर को देखते हैं जो कि एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। उसका बेटा अथर्व ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो किसी से लिफ्ट लेकर अपने फादर जुमेर को हॉस्पिटल पहुंचाता है। अब 48 घंटे बाद हम देखते हैं कि जुमेर ठीक हो चुका है। इसके बाद वो अथर्व के साथ वापस उसी होटल में अपनी गाड़ी लेने जाता है जहां पर अदिति भी उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे थैंक यू बोलती है और साथ में उसका हालचाल पूछती है। जाते जाते वो जुमेर से कहती है कि उस बैग में से 3 ड्रग्स के पैकेट गायब हैं। जुमेर कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर के उस आदमी को भी पकड़ लेंगे जिसने वो 3 पैकेट्स चुराए हैं। तभी अथर्व देखता है कि वो 3 ड्रग्स के पैकेट उसी की गाड़ी में रखे हैं, यानी कि जुमेर सच में एक डीलर है और उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। इसके बाद जुमेर और अथर्व दोनों ही हॉलीडे एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।